नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राज किशोर पाणी आपमानको स्वागत करुचे भाग्य भविष्य लाइफ को। दर्शक बंधु, आपमानको प्रश्न, आपमानको समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य। आपमानको प्रश्न होची, समस्या होची, ताले स्क्रीन ने फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्मस्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपको कमी मिल पार बहुत लाइफ आपंकर कमी कटि पार बहुत आपको केव आपंकर बहार कहीं विलंब हो जाए से सब जिन चेक कर जतक कौन एमती जोग अच्छे जहाँ भी प्रोसेस कर शेष मुहूर्त में भांगी जा आप लव मेरेज करेंगे कि आरेंज मेरेज आप मेरेज पार्टनर को स्वभाव केमती रही आपंक सहित केते मैच करपारे से केते बैलेंस करेंगे मेरेज पर केते सुख आपको मिल पार से सब जिन चेक कर जातक रू जड़े कलर जोड़ सहित कथा। हेलो, नमस्कार। कहतु क्या विषय जानवे? कहतु जन्म तारीख। 27 अक्टूबर 1949 जाने मैरिज प्रत्येक समय पिला संघर्ष करा भी रिक्वायरमेंट रखुची फुलफिल हवा प्रत्येक समय विलंब शिकार हो मेरेज पाई वर्तमान समय आपको प्रश्न हूँ सेवेन्थ हाउस को फोकस करवा। सेवेन्थ हाउस लॉर्ड बृहस्पति बकरी अवस्था इलेवेन्थ हाउस शनि सहित कंजक्शन करुच्चु बृहस्पति विलंबर कारग्रह शनि विलंबर कारग्रह सहित कंजक्शन करुच्चे अहेतुक विलंब हो जहाँ भी प्रोसेस करा चाहते प्रपर्ली हो पार ना प्रस्ताव ठीक भाव आसी पारना आपण को वर्तमान समय मत नेगेटिव चलती जेहतु राहु शुक्र से शुक्र चलती नेगेटिव समय चलती वर्तमान समय जेहतु सेभेन्थ हाउस मंगल रोच पोजिशन मांगलिक अच्छा आपड़ से बहार किसी ना कि विलंब हो जाए कहीं बहार कारग्रह बृहस्पति स्वामी कारग्रह बृहस्पति आप जतक बकरी अच्छी से अधिका अहेतुक विलंब हो मेरेज कि आग को बहुत बड़ा समय आपको मेरेज हो पार 2023 मार्च परे परे 15 मार्च 2023 आपको मेरेजर समय रोचे मेरेज पर विशेष प्रतिकार करूँ आप विशेषकर जेहतु राहु दशा बर्तमान चली बर्तमान समय गोटे रुद्राभिषेक आपड़ करूँ विशेषकर गौरी मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ। हे गौरी शंकरार्धांगी यथातम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता असुदुल्लभाम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु अष्टथाई बहुत शीघ्र मेरेज हम बहुत भल मेरेज पार्टनर पाई आपण मेरेज पर फ्यूचर पर अन्य प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट सफेर पिंधतु आपंकर मेरेज लाइफ आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहिबो जेतु आपंकर राशि रहुछि वृष राशि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि 4/2 वृष राशि लॉर्ड शुक्र आप जेहतु थर्ड हाउस पोषण होती पापंग्रह ग्रह प्रभाव रोचे बहार विलंब हो जाए ब्लाक कलर को टोटाली एवोड करूँ येलो कलर ग्रीन कलर सिल्वर कलर एवं व्हाइट कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपण को आउ जन कलर जो चिंता सहित कथा। हेलो, नमस्कार। कहतु क्या विषय जानवे? जन्मस्थान कौन जाने चाहते पुंक विषय आप। हेलो,
ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କରିଥିଲି ତ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ, କରିଛି ତ, ଦେହ ସବୁବେଳେ ଦେହ ପା ଖରାପ ରହୁଛି, ବଦମାସି ବହୁତ ହେଉଛି, ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦଉନି, ଶରୀର ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କଣ କହିଥିଲେ। ठीक अच्छे आज्ञा आपको जहाँ भी प्रश्न होती विशेष करी हेल्थ को लेकिन एवं एजुकेशन को लेकिन कैरियर को लेकिन आप अधिक चिंता करुंट पिलार लग्न रोचे सिंह लग्न एथिकाल लग्न एवं अग्नितत्व लग्न लग्नाधिपति सूर्य आप घरस्कोप जेहेतु फिफ्थ हाउस बुध सहित कंजक्शन करुच्च जातक सूर्य बुधर कंजक्शन हो बुधादित्य आप जातक क्रिएट हो टेक्निकाली पिला अधिका स्ट्रंग रहिबो अधिका स्वाभिमानी मध्य रहिबो सॉफ्ट नेचर पिला रहुचे किंतु राशि रहुचे जेहेतु मीन राशि रेवती नक्षत्र मीन राशि 27/12 चंद्र जेहेतु 8th हाउस पोजिशन हो वर्तमान समय चलती बुधर चंद्र जेहेतु नेगेटिव समय चलती वर्तमान हेल्थ को लेकिन उतार चढ़ाव लगिक रोचे वर्तमान समय विशेषकर देखु 2022 सेप्टेम्बर पर्यंत 15 सेप्टेम्बर 2022 पर्यंत हेल्थ को लेकिन उतार चढ़ाव लगिक समय समय कि हेल्थ इश्यू लगिक प्रत्येक समय थंडा रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लगिक रोचे अधिका बॉडी पेन लेजिनेस अधिका रोचे कनसेंट्रेसन लेक कर पिला किंतु विशेषकर बहुत भल कर बहुत भल एजुकेशन पाइपर फ्यूचर बहुत भल समय आपंपाई एजुकेशन उत्तरोत्तर उन्नति पिला करी 20 सेप्टेम्बर 2022 पर बहुत भल समय आरियर पर एजुकेशन फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहिबो विशेषकर देखो टेक्निकल सेक्टर पर बहुत भल जोग रोचे पिलार जातक विशेषकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिला हो पार किंतु कनसेंट्रेसन लेक कर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पान्ना पिंधतु एवं राइट हैंड इंडेक्स फिंगर ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहिबो आउ जने कला जोड़ सहित कथ हा हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे हाँ निज विषय जानवाक चाहिए ଆଜ୍ଞା ନିଜ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1992 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1992 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ 10ଟା ସମ୍ବଲପୁର। ଠିକ 10ଟା ଆଜ୍ଞା जन्मस्थान संबलपुर माने पाका पाकी हेतबो ना माने टिके कम हेतबो तार वयस एवं से जॉब करतबो के नै से विषय जाने पाई चाहू। अच्छा मैरिज विषय आपण जाने चाहू छंती। आज्ञा ठीक अछि। आज्ञा देखिबा आपण हरस्को विशेष करी आपण को प्रश्न लउची मैरिज कुनी की मैरिज लाइफ कुनी की अधिका चिंता करूछंती आपण आपण को लग्न लउची वृष लग्न पृथ्वी तत्व लग्न अधिका परिश्रम करिवे आपण लाइफ रे अचीवमेंट पई प्रत्येक समय विपरीत परिस्थिति आपको क्रिएट होउची लाइफ रे आपको राशि रोचे कुंभ राशि जेहेतु शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि रोचे आप 24/11 जेहेतु कुंभ राशि लॉर्ड शनि आप घरस्कोप भाग्य स्थान पोजिशन नौचे शनि विलंबर कारक परिश्रम कारक जेहेतु भाग्य स्थान पोजिशन हो भाग्यर सपोर्ट आपको मिल पार ना प्रत्येक कार्य आपको लेट हो जहाँ भी कम करुँच जहाँ भी पाइबा आप इच्छा रखुं शेष मुहूर्त में झुली जाऊँगी एचिवमेंट मिल पार ना आपको किंतु वर्तमान समय आपको मैरिज पर प्रश्न हो 7th हाउस को फोकस करवा 7th हाउस लॉर्ड मंगल जेहतु 10th हाउस चंद्र और शुक्र सहित कंजक्शन करुच्छे बहुत भर रही आप मैरिज लाइफ विशेषकर देखो टेक्निकल सेक्टर आपको मैरिज हो पार जहाँ भी आपंकर बयस आप चाहते बयस गैप आप जाना चाहते विशेषकर आपंट तीन चार वर्ष गैप रही विशेषकर कहीं 10th हाउस लॉर्ड आपंकर जेहेतु शनि भाग्यस्थान पोजिशन एवं बृहस्पति स्वामी कारग्रह बकरी अवस्था रोचे जेहेतु 4th हाउस विशेषकर देखो मैरिज लाइफ बहुत भल रहा टेक्निकल सेक्टर आपको मैरिज प्रपोजाल आसव मैरिज हम आपंकर किंतु मैरिज पर किसी ना कि बाधा रोचे शनि प्रभाव रोचे आप मैरिज हाउस से नेगेटिव रोच मैरिज पर जहाँ भी प्रोसेस करते स्ट्रगल करतमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ चंडी पूजा कात्यायनी मंत्र को संपूर्ण संपुट करूँ कात्यायनी महामाए महाजोगिन्याधीश्वरी नंद गोपे सुतम देवी पति मे कुरुते नम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करूँ सप्तशती चंडी में बहुत शीघ्र मैरेज हम बहुत भर मैरेज पार्टनर पाइपर आप राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट सफायर पिंधतु आपंकर मैरिज लाइफ पई आपंकर फ्यूचर पई बहुत पॉजिटिव रहइबो आउ जने कला जड़ चिंता सहित कथा हा हेलो जय जगन्नाथ भैया
ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଭଲ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଷଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। 1982 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ। କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣା ଯାଉନି, ଆପଣ ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 1972 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମୟ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଉଥରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବିବାହକୁ ନେଇକି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି କଟିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ କେତେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ କେମିତି ରହିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କେତେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିବେ, ଅଧିକା ଏଥିକାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ, ଅଧିକା ଉର୍ଜା ରହିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଡୋମିନେସନ୍ର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଏଥିକାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସବୁକୁ ନେଇକି କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ କେମିତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରଖିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କ'ଣ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଗ୍ରହର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ମେଷ ରାଶିରେ, ସିଂହ ରାଶିରେ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିବେ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍, ପ୍ରମୋସନ୍ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଏଥିକାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇପାରିବେ ସେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହିବ। ଯେହେତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 23/10/2005। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ କୋଉ ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଠିକ୍ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି କି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢୁଛି ପିଲା? କମର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି, ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣ ଘରସ୍କୋପରେ ଯେହେତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଏବଂ ରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, 7/3 ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଘରସ୍କୋପରେ ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟିଂକୁ ନେଇକି, ମାର୍କେଟିଂ ଫିନାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି
सर्विस जहाँ भी एग्जामिनेशन लिखा चाहते एग्जामिनेशन जहाँ भी एक्सपेक्टेसन अच्छी से हिसाब से लिखिपारे ना से हिसाब से रिजल्ट कर पा कहीं बर्तमान समय शनि दशा कंटिन्यू करुच्चे आपंकर किसी ना कि लेट रोचे किसी ना कि कनसेट्रेसन लेक कर पिला जहाँ भी पोटेनसीआल अच्छी जहाँ भी पढ़ी पार पिला से हिसाब से पढ़ी पारना फोकस करना से बर्तमान नेगेटिव अच्छे कितु गोटे प्रतिकार करूँ एजुकेशन में फोकस कनसेट्रेसन रईट हेड लिटिल फिंगर गोटे पान पिंधतु एवं ब्लाक कलर को टोटाल एवोड करूँ ग्रीन कलर येलो कलर ह्वैट कलर और सिल्वर कलर को अधिका यूज करूँ प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग में कंचाक्ष चढ़ातु आपं नामक्षत्र सतैश धूप मध्य सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोके साखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम मस्मद बैरी विनाशनम ए मंत्र में सतैश धूप पिलार नामक्षत्र चढ़ातु जहाँ भी स्ट्रगल करुच्ची हेल्थ को लेकिन जहाँ भी स्ट्रगल करुच्ची एजुकेशन को लेकिन बहुत भल पढ़ी पार बहुत भल सक्सेस मिल पार पिला को आउ जो कल जो चंद्र कथा हेलो हेलो कौन तो जानी आपनो अच्छा कौन को जन्म तारीख कौन तो 2004 नवंबर 15 2004 समय कौन तो दिन गोटे 15 सोमवार जन्म स्थान कौन तो जाजपुर टाउन बा कौन जाने चाहते पुओं विषय आपड़ ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी प्रश्न हो विशेषकर कनसेट्रेसन लेक कर पढ़ापढ़ फोकस करग्रेसीव स्वभाव रोचे पिला पिलार लग्न रोचे कुंभ लग्न जेहतु वायु तत्व लग्न लग्नाधिपति शनि आप घर जेहतु सिक्स हाउस पोषण हो लग्न जेहतु हेल्थ को रिप्रेजेंट करे लग्नाधिपति शनि जेहतु विलंबर कारग्रह शनि हेल्थ को रिप्रेजेंट करे जेहतु शनि आप सिक्स हाउस पोषण हो प्रत्येक समय अधिका लेजिनेस रोचे पिला भितर अधिका थंडा मध्य पिलार शरीर रोचे प्रॉपर्ली कंसंट्रेट कर पारना पिला प्रत्येक समय बॉडी पेन शिकार हो बर्तमान समय नेगेटिव चलती कहीं शुक्र से शनि चलती बर्तमान स्ट्रगल करेल्थ को लेकिन विशेषकर एवं राशि रोचे धनुराशि मूला नक्षत्र धनुराशि 19/9 जेहतु चंद्र उपर राहुर प्रभाव रोच मानसिक अस्थिरता प्रत्येक समय लग रही मन भितर अधिका शीघ्रता आसी जाऊँगी अधिका ओवर कन्फिडेन्स आसी जाऊँगी जहाँ भी पढ़ा कथा पढ़ापढ़ी प्रॉपर्ली कनसेट्रेट कर पारना मन भितर ओवर कन्फिडेन्स आसी जाऊँगी जहाँ भी पढ़ुची कन्फिडेन्ट हो मोर मन रही जा आपणकर मेमोरी अच्छी मुझे भी पढ़ी जहाँ भी लिखिपारि एग्जामिनेशन किंतु लिखि पार नहीं स्ट्रगल कर पिला एग्जामिनेशन लिखि पार नहीं किंतु जहाँ भी पढ़ुची एग्जामिनेशन रिजल्ट बहुत भल कर कन्फ्यूजन कारण शीघ्रता कारण से चंद्र दुर्बल अच्छे आप जतक गोटे प्रतिकार मून पर राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता फ्यूचर पर बर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ चंडी पूजार विशेषकर सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसाद न भविष्य न संशय ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ सप्तशी चंडी एवं शनि विशेष उपचार पूजा मंगल विशेष उपचार पूजा करूँ ब्लाक कलर को टोटाल एवोड करूँ रेड कलर को टोटाल एवोड करूँ ह्वैट कलर ग्रीन कलर एवं येलो कलर को अधिक पिंधतु बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार पा को तो दर्शक बंधु आलोचना कर देखुं आपको विशेषकर वैवाहिक दाम्पत्य सुख को लेकिन आप बहुत समय प्रश्न आवाह केमती हम बहुत पार्टनर आपको केमती मिल पारे आपंकर स्वभाव जमी रोच मेरेज पार्टनर स्वभाव केमती रहा चालचलनी कार्यकलाप क्यारेक्टर केते स्ट्रंग सेवेन्थ हाउस से देखा मेरेज पार्टनर ट्रेड सेवेन्थ हाउस लॉर्ड के स्ट्रंग अच्छी सेवेन्थ हाउस केमती ग्रहों प्रभाव रोचे सेवेन्थ हाउस लॉर्ड जब स्ट्रंग अच्छे तेज़े मेरेज पार्टनर बहुत स्ट्रंग मेन्टालीटी रही है सेभेन्थ हाउस विशेषकर शुभ ग्रह जब अधिक प्रभाव रोचे तेल बहुत भल मेरेज लाइफ आप बहुत भल मेरेज पार्टनर आपको रोत भल मेरेज पार्टनर स्वभाव एथिकल टेंडेंसी रखिए विशेषकर देखते सेभेन्थ हाउस आलोचना करते सूर्य एथिकल प्लानेट न्याय आदर्श प्लानेट और गाइडेन्स प्लानेट जदि आपस्कोप सेभेन्थ हाउस पोजिशन हो स्ट्रंग अच्छी मेष राशि विचार राशि धनुराशि सिंह राशि
ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍। ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିବେ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କଡ଼ାପଣ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନିସିଆଲି କିଛି ନା କିଛି ଶତ୍ରୁତାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଲୋକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ, ମନର କାରାଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ବୃଷ ରାଶିରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବିଷ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଉତାର ଚଢ଼ାବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅଧିକା ଦୁର୍ବଳ ରହେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ମାନସିକ ମତଭେଦ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କେତେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଯଦି ଅଧିକ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯଦି କିଛି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ବାଲାନ୍ସ ହୋଇପାରିବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି, ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେଭେନ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ, କ'ଣ ନେବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, କେମିତି ନେବେ ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।